प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस रजिस्टर से जानेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। इस तरीके से आपको लिखना है सेफ्टी प्रिकॉशन, उसके बाद में लिखना है इंट्रोडक्शन। देखिए, सुरक्षा और सावधानियां किसे कहते हैं? कारखानों में या फैक्ट्रियों में अनेक दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती है, जिसमें से तीन क्या होती है? घातक या जानलेवा होती है। हर तीन दुर्घटनाओं में से दो कारीगर की असावधानी के कारण या फिर लापरवाही के कारण होती है, और एक जो होती है वो कारखानों के जो प्रबंधक जो होते हैं, जिनने फैक्ट्री चलाई हुई है, उनके कारण होती है। ठीक है ना? तो उनसे बचने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेफ्टी प्रिकॉशन कहते हैं। तो देखिए, उसके बाद में आपको लिखना है टाइप्स ऑफ सेफ्टी। कितने प्रकार की है? चार प्रकार की होती है। एक तो होती है सेल्फ सेफ्टी, यानी निजी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा। ठीक है? उसके बाद मशीन सेफ्टी, मशीन की सुरक्षा। उसके बाद में कॉमन सेफ्टी, सभी के लिए साधारण सुरक्षा। और नंबर फोर पे है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ठीक है ना? यानी बिजली की सुरक्षा। सबसे पहले खुद की बात कर लेते हैं भी, खुद को क्या क्या सुरक्षा रखनी होती है जो कि हम फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर कोई कंपनी में करते हैं। तो नंबर एक देखिए, अपनी निजी सुरक्षा, मशीन पर काम करते समय ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है? कार्यशाला में नंगे पांव नहीं रहना चाहिए, चप्पल खुले जूते नहीं पहनने चाहिए, लंबे बाल नहीं होने चाहिए, हाथ में कड़ा अंगूठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर ये चीजें आपके आप पहनते हो तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो सकती है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। उसके बाद में सेकंड देखिए, यहाँ पे काफी सारी दी हुई है। ठीक है ना? जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तो चश्मे का प्रयोग आपको करना चाहिए। ठीक है ना? और उसके बाद में मशीन जब भी चल रही है तो मशीन को कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। काफी सारी खुद के लिए होती है। उसके बाद में है मशीन सेफ्टी। ठीक है ना? तो जो मशीन चलाते हैं उसके रख रखाव की जिम्मेवारी जो होती है वो किसकी होती है? कारीगर की होती है। देखिए, यह सत्य है कि मशीन कारीगर की निजी संपत्ति नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, वो निजी संपत्ति नहीं होती। फिर भी कारीगर जो होता है उसकी सुरक्षा और रख रखाव का पूरा जिम्मेवार होता है, क्योंकि वह अपने परिवार का क्या करता है? पालन पोषण करता है। ठीक है ना? जब भी आप कहीं भी काम करते हो मशीन पे, तो उसके रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? कारीगर की होती है। तो उसको भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मशीन को अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद में उसके अंदर ऑयल देखना होता है। कहीं भी अगर मशीन में आवाज आती है तो तुरंत बंद करना होता है। कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी की अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो आप मैकेनिक को दिखा के ठीक करवाना होता है। मशीन पे अधिक प्रोडक्शन, मोटर गर्म हो रही है, तभी भी आपको ये चीजें देखनी होती है कहीं मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि छोटी सी दिक्कत जो होती है वो मशीन पे काफी भारी पड़ जाती है, जिससे दुर्घटनाएं भी घट सकती है। मशीन तो खराब होगी लेकिन साथ में बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो ये काफी सारी मशीन सेफ्टी है। ठीक है? उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हमने लिख दी। इस तीन नंबर पे कॉमन सेफ्टी आनी थी। ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या होता है? बिजली के काम करते समय पांव में नीचे लकड़ी का तख्ता या फिर रबड़ के आपके शूज होने चाहिए, जिससे करंट नहीं लगता। ठीक है? और जहां भी बिजली का कार्य हो वहां पे नमी अधिक न हो, या फिर पानी वहां पे नहीं डालना चाहिए जहां पे बिजली की तारें गुजर रही हो। कार्य समाप्त होने के बाद बिजली का जो स्विच जो होता है, बटन जो होता है, उसको बंद करना चाहिए। बिना ज्ञान किस फ्यूज जो है आपको नहीं तो लगाना होता, ना ही फ्यूज को हटाना होता। ठीक है ना? बिना स्टार्टर मोटर को नहीं चलाना चाहिए। जिस मशीन के बारे में कोई जानकारी है उस मशीन को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जहां भी अगर आग लग जाती है, चाहे वो बिजली की आग लगी हो, ठीक है, या फिर तेल की आग लगी हो, या लकड़ी की आग लगी हो, वहां उसकी आवश्यकता के अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर होने जरूरी होते हैं। उनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए भी बिजली की आग के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी क्या थी? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। उसके बाद में है कॉमन सेफ्टी। ठीक है ना? कॉमन का मतलब क्या है? कि ऐसी साधारण सुरक्षा होती है ये, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना? कॉमन में जैसे वर्कशॉप होती है काफी बड़ी, उसमें अगर आपने फर्श पे तेल डाल दिया तो उसमें कोई भी गिर सकता है। वर्कशॉप के अंदर से आप कोई बड़ी चीज को ले जा रहे हो तो उसमें किसी को भी चोट लग सकती है। ठीक है ना? तो काफी सारे इसमें दिए गए हैं। कई बार क्या होता है कि वर्कशॉप है, उसमें औजार उधर उधर डाल दिया आपने, ठीक है ना, तो किसी को भी लग सकती है। कील वगैरह नहीं डाल सकते, ग्रीस नहीं डाल सकते, पानी या फिर तेल ऑयल, जहां पे कॉमन जो जगह होती है उन काफी बड़ी सावधानी से रखना होता है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल तौर पे अपनी निजी लाइफ पे ही हम ले लेते हैं, जैसे आप बस स्टैंड पे जाते हो, ठीक है, या रेलवे स्टेशन पे जाते हो, काफी भीड़ होती है, उन जगह भी गवर्नमेंट ने धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता है लेकिन साथ साथ वाले व्यक्ति को भी दिक्कत होती है, इसलिए
कॉमन जो है, जो साधारण सुरक्षा है वो आपको रखनी जरूरी होती है। तो सेफ्टी के बारे में हमने पढ़ लिया है, किस प्रकार से आपको लिखना है तो वो आसानी से आप लिख लेना, समझा मैंने आपको दिया है, इसी तरीके से आपको इनको लिखना है। फिर भी इस टॉपिक से संबंधित आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। फिलहाल तक एक नई वीडियो एक नए टॉपिक है, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।